मणिपुर में 3 मई को हुई जातिगत हिंसा के बाद राज्य में अभी तक हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि मणिपुर के कुछ इलाकों में लंबे समय तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन सरकार ने शनिवार को हिंसक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट पर 5 दिन के लिए बैन और बढ़ा दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट पर बैन 15 जून दोपहर 3 बजे तक प्रभावित रहेगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मणिपुर के सूचना और जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर सपन रंजन ने कहा है कि हम कुछ सरकारी संस्थानों और आपातकालीन सेवाओं के लिए जहां भी जरूरत है वहां इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं। जैसे हालात होंगे उसको देखते हुए ही प्रतिबंध हटाने का विचार किया जाएगा। संपन्न रंजन ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कई अप्रिय घटना नहीं हुई है। यह इस बात का सबूत है कि हमारे राज्य में शांति और सामान्य स्थिति वापस लौट रही है। वहीं राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अब तक 990 हथियार और 13,000 राउंड गोला बारूद बरामद किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज।